नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान BSTC फोरम 2022 के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। राजस्थान BSTC 2022 की एग्जाम डेट क्या रहेगी दोस्तों, और कब आपका नोटिफिकेशन आएगा, कब से आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। क्या 2021 की तीसरी लिस्ट जारी होगी, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। दो लिस्ट जारी हो चुकी है दोस्तों, इस बार सत्र काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि जो कॉलेज नई जुड़ी थी उसकी वजह से आपकी काउंसलिंग है वो काफ़ी देर तक चली है दोस्तों। लेकिन अब आपकी तीसरी लिस्ट दोस्तों मुश्किल ही आएगी क्योंकि जैसी अपडेट आ रही है कि सीट अभी खाली नहीं बची हुई हैं। फिर भी दोस्तों मैं शाम को आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं राजस्थान BSTC फॉरम 2022 के बारे में। तो दोस्तों चलिए चलते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप राजस्थान BSTC के छात्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर अब आपको राजस्थान BSTC की आगे भी सभी प्रकार की अपडेट है वो देखने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, राजस्थान BSTC की परीक्षा हर साल कराई जाती है, और दोस्तों पहले आपकी जो एग्ज़ाम होती थी वो जून और जुलाई में होती थी, लेकिन 12th के एग्ज़ाम के बाद दोस्तों आपकी जो परीक्षा है वो आयोजित होगी, यानी कि 12th के जो पेपर है वो अप्रैल में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल में ही फॉर्म आपके चालू हो जाएंगे जो लगभग अप्रैल से मई तक चलेंगे, और जून में आपको संशोधन का मौका मिलेगा दोस्तों, और जुलाई अगस्त में आपकी एग्ज़ाम आयोजित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जुलाई और अगस्त के बीच में आपकी परीक्षा आयोजित होगी। हालांकि आपकी जो परीक्षा है वो अगस्त में होने के सबसे ज़्यादा संभावना है क्योंकि जुलाई में रीट की एग्ज़ाम होगी, तो रीट को लेकर दोस्तों सभी तैयारियां होनी हैं। इसीलिए दोस्तों आपकी जुलाई में परीक्षा नहीं होगी, जुलाई में आपकी PTT BEd की भी एग्ज़ाम होगी जो जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। इस वजह से दोस्तों आपकी जो परीक्षा है वो अगस्त में ही कराई जाएगी, लेकिन उससे पहले आपके दोस्तों जो है फॉर्म है वो अप्रैल में ही भरे जाएंगे। तो आप अभी से कंटिन्यूस तैयारी कर दें क्योंकि अप्रैल, मई और जून और जुलाई 4 महीने का समय अभी भी आपके पास है। आप आराम से तैयारी कर सकते हैं राजस्थान BSTC की, और आगे भी आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहेगी दोस्तों। हो सकता है 5% ऐसा चांस बन सकता है कि आपकी तीसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है। हालांकि दो लिस्ट आ चुकी हैं क्योंकि अभी दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट आ रही है कि जिनको आवंटित तो हो गई हैं वो अब ऑफलाइन जो है उपस्थिति करानी है, रिपोर्टिंग करानी है। BC के माध्यम से रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी, यानी वीडियो कॉलिंग से अब आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि आपकी जो 2022 का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो नोटिफिकेशन आपका अप्रैल में ही जारी होगा। या दोस्तों अप्रैल में ही नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा आपको, सिलेबस पुराना वाला ही रहेगा। थोड़ा बहुत चेंजेस होगा दोस्तों, और आपको जो क्वेश्चन आते थे दोस्तों 600 अंक का ही प्रश्न आएगा, इसमें तकरीबन आपको 400 अंक लाने होंगे। 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी दोस्तों। 12th पास चाहते इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो जल्द ही आपका नोटिफिकेशन आने वाला है दोस्तों, तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।